हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धवल पाटिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिपीट ब्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पे कोने में सब्सक्राइब लिखा होगा, वहां पे टच करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो जैसे कि आप मेरे पीछे ये पोस्टर देख रहे हो, ये धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म है टोटल धमाल। इसमें बहुत सारे स्टार्स है जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। धमाल और डबल धमाल बहुत हिट हुई थी, तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि टोटल धमाल उनको कैसी लगती है और कितने स्टार इस मूवी के वो देते हैं और सबसे ज़्यादा कौन हंसाता है और किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। मूवी में खास माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर है। माधुरी दीक्षित और अमोल कपूर की जोड़ी बहुत सालों बाद यहाँ पे दिखाई गई है। तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि मूवी कैसी है और सबसे अच्छा काम किसने किया, तो चलिए चलते हैं। कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत फैंटास्टिक थी और कॉमेडी लाजवाब है, बहुत बढ़िया मूवी। सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? सबसे अच्छा किरदार रितेश देशमुख। और सबसे ज्यादा उसे ने हंसाया? हाँ, उसी ने हंसाया। और कितने रेटिंग देना चाहोगे? 4.5। और फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करना चाहोगे कि मूवी देखें? जी बिल्कुल, उनको एंटरटेनमेंट के लिए बुलाना चाहूंगा यहाँ पे पिक्चर। और आपका फेवरेट किरदार कौन सा था इसमें? वो रितेश देशमुख का लल्लन वाला। ओके, थैंक यू। कैसे लगी मूवी आपको? बहुत मस्त। अच्छी लगी? हाँ। किसने ज्यादा हंसाया मूवी में? अजय देवगन को। नाइस मूवी है देखने। कितने स्टार देना चाहोगे? फैमिली साथ देखने साथ। फैमिली मूवी। तो कैसी लगी मूवी आपको? मस्त पिक्चर है। कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। इस माधुरी कैसी लगी आपको? माधुरी भी बहुत अच्छी लगी। और किसने ज्यादा हंसाया आपको? सबने सबने। आपको कौन अच्छा लगा? सब सबको देखनी चाहिए। और कितने स्टार देना चाहोगे पाँच में से? सॉरी, कितने स्टार देना चाहोगे मूवी को पाँच में से? हाँ, 4.5। 4.5। ओके ओके। मूवी अच्छी थी और बहुत एंटरटेनमेंट करवाया, और जो लास्ट दो पार्ट गए उससे तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा मूवी है। और सॉन्ग्स कैसे थे मूवी के? सॉन्ग्स तो अच्छे है, स्टार्टिंग में आते हैं, फिर जो 5-10 मिनट के अंदर दूसरा एक सॉन्ग आता है, एक आइटम सॉन्ग मुंगड़ा वाला, वो आपको कैसा लगा? वो तो बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। और फैमिली और फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई ये मूवी देखें? हाँ, बहुत अच्छी है, फैमिली मूवी है और एंटरटेनमेंट बहुत है उसमें। और सबसे अच्छा किरदार किसका लगा, मतलब एंटरटेनिंग किया हो सब, मतलब बहुत हंसाया? बहुत सारे सब ने किया है, सबका बहुत अच्छा रहा है। और माधुरी ने बहुत टाइम बाद कमबैक किया है, तो माधुरी कैसे लगी? अच्छा था, और डांस भी स्टार्टिंग में जो रहता है उसका, वो भी अच्छा है। मतलब मूवी अच्छी है, मतलब सबको देखनी चाहिए। सुपर हिट है, बहुत अच्छी मूवी है, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट, बच्चों के लिए तो बहुत खास, मजा आएगा ऐसा। और कितने स्टार देना चाहोगे पाँच में से? 4.5। 4.5। ओके, थैंक यू। मस्त है, अच्छा लगा। किसका एक्टर है, किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। बहुत सालों बाद कमबैक किया, आपको लगा कि? हाँ, काफी अच्छा था उनका, दोनों का। और सबसे अच्छा पंचिंग लाइन और कॉमेडी कोई डायलॉग? कॉमेडी भी उन्हीं का अच्छा लगा, दोनों का। और सॉन्ग्स? सॉन्ग्स फर्स्ट सॉन्ग वो अनुष्का, पैसा वैसा वाला या अनुष्का वाला? अनुष्का वाला। ओके, और क्या देना चाहोगे? 5.5। ओके, थैंक यू। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, टोटल धमाल जैसा नाम था ऐसा ही पिक्चर थी, बहुत अच्छी लगी। और किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी? रितेश देशमुख, जॉनी लीवर, ऑल ओवर अच्छी, बहुत अच्छी थी। और कितने स्टार देना चाहोगे पांच में से? पूरे 5। ओके, थैंक यू। कैसी लगी मूवी आपको? एक नंबर वीडियो। बहुत अच्छी लगी यार। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी? अजय देवगन। अच्छी थी एकदम। मजा आया आपको? हाँ, मजा आया। पूरे 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार। बहुत अच्छी लगी। और किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी आपको? अजय देवगन, माधुरी दीक्षित दोनों की। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी। हाँ। बहुत सालों बाद उन्होंने कमबैक किया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ। कैसे लगी मूवी? अच्छी लगी। कितनी बार देखी मूवी? 2 बार। और क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी तो शेर को बचाते ना, वो शेर को बचाते है, मतलब अच्छा मैसेज दिया है। कैसी लगी मूवी मैम आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपके फेस से ही पता चल रहा है कि आपने मजा लिया है और एंजॉय किया। फुल एंटरटेनमेंट। स्टार देना चाहोगे पांच में से? 5 स्टार। और फ्रेंड्स और फैमिली को सजेस्ट करना चाहोगे कि मूवी देखे, अच्छी मूवी है? अच्छी लगी। और किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? अजय देवगन। और पहले जो धमाल आई हुई थी 2, उससे बेटर है? पैसा वसूल। और कोई डायलॉग मूवी का जो आपको याद रहे? नहीं, आज सारा को नहीं आता। कितने स्टार देना चाहोगे पांच में से? 5 स्टार। 5 स्टार। सुपर हिट होगी, पिछले 2 सीरीज से ये हिट होगी। ओके, थैंक यू। आपको मूवी सब अच्छे लगे। और आपके फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहोगे कि मूवी देखने आया, पैसा वसूल मूवी है? यस यस। और कौन अच्छा लगा आपको? अजय देवगन। अजय देवगन सुपर हिट। किसकी एक्टिंग सबसे जोरदार थी?
सबसे जोरदार मतलब बहुत जबरदस्त हंसी आई कि लोटपोट हो गया हंस हंस कर। अजय देवगन, अजय देवगन आपने पहली वाली धमाल देखी है? हाँ। उसमें उससे अच्छी है, उससे सबसे अच्छी है मूवी। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और कितने स्टार देना चाहोगे? फाइव स्टार। किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? माधुरी ने बहुत टाइम बाद कमबैक किया है, तो आपको कैसे लगी माधुरी? माधुरी भी अच्छी लगी, अजय देवगन अच्छा, अजय देवगन अच्छा लगा। और आपने पहले वाली धमाल देखी है? देखी है। उससे अच्छी है? उससे अच्छी है, फैमिली के लगता साथ है कि हीट देख सकते हैं। फैमिली मूवी है, मतलब पिछले धमाल से हीट होगी ये? हीट हीट सुपर हिट। कोई डायलॉग सर आपको मतलब बहुत हंसी आई है? बराबर आपको कोई डायलॉग मतलब आपको हंसी आ गई? हंसी तो समझ लो पूरी मूवी में आई है। पैसा वसूल सबसे अच्छा है, वो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वाला सीन, रिक्शा वाला, कीक वाला, वो सबसे बढ़िया लगा। तो ये थी टोटल धमाल की पब्लिक रिव्यू। लोगों ने बहुत अच्छे स्टार दिए हैं, लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं मूवी के। और बहुत टाइम के बाद ऐसे फैमिली मूवी, कॉमेडी मूवी आई हुई है जिसमें डबल मीनिंग वाला कुछ नहीं है। तो आप ज़रूर देखने के लिए आइए फैमिली के साथ ये मूवी को। और मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि आप बहुत हंसेंगे मूवी में, बहुत एंटरटेनिंग मूवी लगेगी आपको। मूवी में लॉजिक लगाने जैसा कुछ है नहीं, बस आप दिमाग घर पे रख के आइए और मूवी देखिए और बस हंसिए और एंजॉय कीजिए मूवी को। बहुत सारे स्टार्स है मूवी में, आपका फेवरेट स्टार कौन सा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।